और गाइस क्या हाल है गाइस, आज बात करेंगे हम PS4 जेल ब्रेकिंग के बारे में। तो जेल ब्रेकिंग के बारे में आप एक सिंपल सी चीज़ पहले समझ लो। जेल ब्रेकिंग का सिंपल मतलब है किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करना या उसमें कुछ भी चेंजेस करना। गाइस, कोई भी डिवाइस आप मार्केट से परचेज करोगे उसमें कोई ना कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बॉक्स के अंदर उस डिवाइस में मिलता है। आपको उसी के दायरे में रह के उसे यूज़ करना होता है। आप कुछ भी मतलब उसके सॉफ्टवेयर में चेंज करके कुछ अपनी तरफ से कुछ फीचर्स ऐड नहीं कर सकते। जो कंपनी ने दिया है वही आप यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस, एंड्रॉयड और iOS की अगर हम बात करें तो जो भी आपको फ़ोन आप लेते हो, अगर स्मार्टफोन लेते हो उसमें एंड्रॉयड वर्जन होता है, तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज कर सकते हो उसमें, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। सेम विद iOS। इसके अलावा आप उस फ़ोन में चेंजेस तभी कर सकते हो अगर आप उस फ़ोन को रूट करो। फ़ोन को रूट करना भी एक तरह का जेल ब्रेक ही है, पर इसे यहाँ पर रूटिंग का नाम दिया गया है। अगर बात करें PS4 की, तो PS4 जेल ब्रेकिंग से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, बहुत सारे, एंड आई मीन इट। अब सवाल आता है कि जेल ब्रेकिंग करते कैसे हैं। गाइस, ये वार्निंग मैं आपको देता हूँ, अगर तो आप टेक्नोलॉजी में प्रो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, तो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं PS4 जेल ब्रेक करना। वरना अगर आप कराना ही चाहते हैं तो आप बाहर मार्केट से करा सकते हैं। वो लोग प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल कह लो उन्हें, मतलब वो रोज़ रोज़ का काम होता है उनका, तो उन्हें उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती है। अगर आप घर पे करते हो, करते करते उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका PS4 हो जाएगा ख़राब। बस PS4 को जेल ब्रेक करके आपको फ़ायदे ये हो सकते हैं कि आप जो बहुत महंगी महंगी गेम है उन्हें बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर बस बहुत कम मनी देकर आप उसे मतलब बाय कर सकते हैं या डाउनलोड करवा सकते हैं बाहर से। तो एग्ज़ाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, अगर iOS में कोई गेम 700 रुपीज़ की है और उसे आप फ्री में लेना चाहते हैं, तो अगर आपने हैक कर दिया तो वो चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। गाइस, PS4 में भी ऐसा ही है। गाइस, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, मतलब सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं इन सब चीज़ों में ताकि वो सिक्योर बना पाएँ अपनी किसी भी प्रोडक्ट को। जो अब नए PS4 लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए गाइस जैसे ही PS4 लॉन्च होता है या फिर कोई भी PS4 का नया वर्जन लॉन्च होगा, मे बी PS5 आएगा कभी, तो उसका भी अगर कभी ना कभी तो अगर उसका जेल ब्रेक आया तो 1-2 साल में तो मतलब ही नहीं आने का, बहुत टाइम लेता आने में। उसका रीज़न यही है गाइस, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है उतना ज़्यादा वो सिक्योर होगी। PS3 का भी जो जेल ब्रेक आया था वो करीब करीब 3 साल बाद आया था उसके लॉन्च होने के बाद, और अब PS4 का जेल ब्रेक भी आजकल में आया है तो वो भी करीब PS4 के लॉन्च होने के 5 साल बाद आया है। बस अब मैं आपको जेल ब्रेकिंग के पीछे की थोड़ी टेक्निकलिटीज समझा देता हूँ। बेसिकली जेल ब्रेकिंग होता क्या है, बेसिकली ये होता है बाईपास करना DRM को। तो DRM स्टैंड्स फॉर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। DRM जो होता है वो लगभग हर डिवाइस में यूज़ होता है। मैं आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बस एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा दूँगा DRM क्या था, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल गाइस, आपने ऐसे गेम देखे होंगे जो सिंगल प्लेयर होते हैं, उनमें खैर ऑनलाइन का कुछ खास काम होता नहीं है, पर फिर भी जब तक आपने डेटा ऑन नहीं करा तब तक वो गेम नहीं चलता। तो ये DRM की वजह से है, क्योंकि गाइज वो रेस्ट्रिक्ट करता है आपको डाटा ऑन करे बिना खेलना। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर जैसे जियो का रिचार्ज कराते हैं आप 2 GB पर डे या 1.5 GB पर डे, तो आप जब लिमिट ख़त्म कर देते हैं तो उसके आगे फिर आप यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। गाइज वो DRM की वजह से होता है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो कंपनी वालों को क्या पता चल रहा है। इसलिए गाइज DRM होता है कि जो हमने लिमिट्स रखी हैं उससे ज़्यादा कोई हमारा कंज्यूमर उसे यूज़ ना कर पाए। बस अगला सवाल ये आता है, मे बी कोई पूछ ले कि क्या हर कोई जिसके पास भी PS4 है वो जेल ब्रेक करवा सकता है या खुद कर सकता है। तो उसका आंसर है गाइस नहीं, खुद नहीं कर सकता और करवा भी नहीं सकता अगर उसका जो PS4 का सॉफ्टवेयर वर्जन है वो पुराना नहीं है। तो गाइस अभी जो लेटेस्ट जेल ब्रेक आया है वो PS4 वर्जन 5.0.5 के लिए आया है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। इसके आगे के जो भी वर्जन है उसमें जेल ब्रेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। 5.05 से पीछे के जितने भी वर्जन है उसमें आप जेल ब्रेकिंग ईजीली कर पाएंगे। अब आ जाते हैं फ़ायदे और नुकसान पे, प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले बात हम कर लेते हैं प्रोज की, यानी कि फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो वाइज ये है कि आपको फ्री में गेम्स खेलने को मिल जाएंगी बहुत सारी, जो कि बहुत महंगी महंगी हैं। अगर आपने देखा होगा 4500 तक की गेम्स हैं PS4 की, और अगर फ्री भी नहीं तो आप मार्केट से इन्हें बहुत कम दाम में इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने PS4 में।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस, अब मान लीजिए आपने 5 गेम लेने हैं, ठीक है। अगर सबकी हर गेम की प्राइस मैं अगर 3000 लेके चलूँ तो आपका टोटल प्राइस बढ़ जाता है 3000। अब 15000 छोटी रकम तो नहीं है, तो अगर आपका PS4 जेल ब्रेक्ड है तो आप उसमें इजीली ये 15000 के गेम मुश्किल से 150 रुपीज़ या 500 रुपीज़ में इजीली आप करवा सकते हो। तो लगभग ना के बराबर हो गया है, तो लगभग फ्री में ही आप खेल सकते हो ये सारे गेम्स। इसका एक और फ़ायदा है कि आप घर बैठे एक हैकर बन चुके हैं, आपने घर बैठे पायरेसी कर ली है, आप बन चुके हैं एक पायरेट, इस बात की आपको बधाई हो। एक और जो मुझे काफ़ी सही लगा इस जेल ब्रेकिंग में वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बस इसका मतलब है कि आप जो भी PS1, PS2, PS3 के गेम हैं वो भी आप PS4 में खेल पाएंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता तो नहीं कि कोई खेलेगा इतने पुराने गेम्स पर, हाँ कुछ लोग हैं जिन्हें पुराने गेम्स बहुत पसंद है, अभी भी वो खेलते हैं, तो उनके लिए चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। और एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने PS4 में कस्टम रोम डलवा सकते हैं, कस्टम थीम्स डाल सकते हैं, वैसे सेम एज एंड्रॉयड, जैसा एंड्रॉयड में उस तरह की आप अच्छी अच्छी थीम्स डाल सकते हैं, तो उससे दिखने में आपका PS4 और अच्छा लगेगा, डिस्प्ले अच्छा लगेगा। गाइस ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है जिनके प्रोज उनके कौन से कम हैं, तो यही PS4 जेल ब्रेकिंग का भी है। इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं लेकिन अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो जेल ब्रेकिंग की ये है कि आपका PS4 रिस्क पे है, आप अपने PS4 को जेल ब्रेकिंग के टाइम पे ख़राब कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सर्विस सेंटर गए PS4 ठीक कराने, तो वहाँ पर जब वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा आपका PS4 तो जेल ब्रेक्ड है, तो आपको इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, जेल नहीं जाना पड़ेगा, मतलब अब वो लोग सीधा मना कर देंगे, सॉरी सर हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। अब वो ठीक इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे ही आपने अपने जेल ब्रेक किया है PS4 को, वैसे ही आपकी वारंटी हो गई है वॉइड। गाइस दूसरा जो इसका कौन है वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ मज़े नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग आप समझ लीजिए बिल्कुल बंद हो जाएगी आपके लिए अगर आपका PS4 जेल ब्रेक्ड है। तो भूल जाओ फोर्टनाइट को, GTA 5 ऑनलाइन मल्टीप्लेयर। गाइस बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेलते हैं, मतलब बहुत से ऐसे क्या, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर ही खेलते हैं, तो वो फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो मुझे लगता नहीं वो लोग कभी जेल ब्रेक कराएंगे। गाइस जो थर्ड कौन है वो ये है कि जो भी कोई PS4 का नया गेम रिलीज़ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही गेम रिलीज़ हुआ साथ के साथ उसका पायरेटेड वर्जन आ जाएगा जो आप जेल ब्रेक PS4 में खेल पाएंगे, नहीं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भी गाइस अभी 2018 के लास्ट में बहुत सारे PS4 के नए गेम आने वाले, बहुत सारे, मतलब करीब 12 से 20 के आसपास। इस पर भी अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो बना सकता हूं अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये एक नुकसान है कि आप नए नए PS4 के गेम नहीं खेल पाओगे। गाइस इसका चौथा कौन है वो ये है कि आप PlayStation नेटवर्क यानी कि PSN को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि Xbox One का जेल ब्रेक अभी तक नहीं आया है, Xbox 360 का आ चुका है पर Xbox One का अभी तक नहीं आया है, आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। गाइस अब मैं आपको अपने ओपिनियन बताता हूँ कि जेल ब्रेकिंग कराना सही है या गलत है। गाइस अगर देखा जाए तो जेल ब्रेकिंग कराना सही भी है और गलत भी है। सही तो आपको पता ही, आपको फ्री में गेम्स वगैरह खेलने को मिल जाएंगे। गाइस सोनी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, तो ऐसे में अगर आप उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं तो ये बात भी ठीक नहीं होगी। और गाइस जैसे जैसे ज़्यादातर लोग जेल ब्रेकिंग करते रहेंगे तो कंपनीज़ को भी ये लगेगा कि यार इस प्लेटफॉर्म पर तो गेम लॉन्च नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सब लोग तो फ्री में गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, जो गेम बनाने वाली कंपनीज है वो भी PS4 के प्लेटफॉर्म में आने वाले दिनों में गेम्स लॉन्च करना कम कर देंगी या हो सकता है बिल्कुल बंद ही कर दें। गाइस ऐसे में फ़ायदा हो जाएगा एक्सबॉक्स का, जो PS4 लवर्स हैं उन्हें फिर तो गुस्सा आएगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप सोचें एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा एंड्रॉयड में जो शेडो फाइट 2 गेम है, मतलब सभी लोगों ने खेला होगा, जो आप अभी जो देख रहे हैं आपने भी ज़रूर खेला होगा, और मेरे हिसाब से आपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करा होगा, फिर आपको बाद में जब पता चला होगा इसका तो मॉड भी है, फिर आपने मॉड भी डाउनलोड करा होगा। पर ऑनेस्टली आप अपने आपसे पूछो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेलने में मज़ा आया या फिर मॉड डाउनलोड करके खेलने में मज़ा आया। और जो ओरिजिनल वर्जन होता है उसमें हमें पता है कि यार हाँ ये चीज़ अनलॉक करनी है तो इसके लिए तो गुंडे को मारना पड़ेगा, ये चीज़ हमें ख़रीदनी है तो इसके लिए गुंडों को मार के पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ खरीदेंगे।
वहीं का शैडो फाइट 2 का जो मॉड है उसमें आपको पता है कि यार हमारे पास पैसे तो हैं, बस गुंडों को मारते जाओ और सारे वेपन अनलॉक होते जाएंगे। तो ऐसे में एक बार को मज़ा ख़त्म हो जाता है, बस आप इसलिए खेलते हैं कि बस आपको नए वेपन देखने। पर खेलने का मज़ा तो तब है जब थोड़ा स्ट्रगल भी हो उस गेम में।